हिम्मती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हिम्मती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के समस्त शिक्षक मित्रों का आभारी हूं कि आप सबसे बात करने का एक आज अवसर प्रदान किया। इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति और मेरी कई दशक पुरानी मित्र आदरणीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उनके नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने निरंतर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसी में एक कीर्तिमान यह भी है कि हम सब विभिन्न क्षेत्रों में अपने विषय के संबद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में इस विभाग के आदरणीय प्रोफेसर MM सेमवाल ने एक ये आयोजन किया है कि हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा के विषय में आज बातचीत करें। तो इस विभाग से मेरा संबंध 3 दशक से भी अधिक पुराना है, इसलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर सूद, प्रोफेसर राकेश काला, प्रोफेसर रामानंद गैरोला, प्रोफेसर हिमांशु बोराई, प्रोफेसर विमल गैरोला और प्रोफेसर सेमवाल, इन सब मित्रों को प्रणाम करता हूँ। उन्हें एक बार माननीय कुलपति को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, यह भी एक संयोग है कि 2014 में इस वर्तमान केंद्रीय सरकार के आने के पहले संस्करण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण का जब अंतिम दिन था इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए और देश के सभी विश्वविद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने, संस्थानों ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो ये भी एक संयोग है कि उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने भी संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम किया 2014 और उस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज 6 वर्ष बाद मैं पुनः इसी विभाग के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में बातचीत करने के लिए आप सबके मध्य उपस्थित हूं। हम सामान्यतः भारत में अपने संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं, अपने संविधान निर्माताओं को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ देखते हैं और ये केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ नहीं होता या विधि के विद्यार्थियों के साथ नहीं होता। संपूर्ण देश में एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो चुका है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने संविधान निर्माताओं में श्रद्धा रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी संपूर्ण जानकारी, अनुभव, ज्ञान से विश्व भर से प्राप्त जो श्रेष्ठ हो सकता था उसके आधार पर हमें एक संविधान प्रदान किया। वह संविधान विशालतम संविधान है विश्व का, उसमें विश्व भर के जिस भी देश से जो भी श्रेष्ठतम प्राप्त किया जा सकता था वो प्राप्त कर लिया गया है, जो भी जोड़ा जा सकता था वो जोड़ लिया गया है, जहां भी जो अच्छा लगा वो हमने अपने काम का, अपने उपादेय था, प्रासंगिक था, हमारे लिए लाभदायक था, हमने ले लिया है। सारा विश्व से लेने के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हमारे समक्ष एक ऐसा संविधान रखा जो सारी श्रेष्ठताओं को समाविष्ट करता है और उनके लगभग 300 जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनकी समेकित मेधा को प्रतिबिंबित करता है और उसमें बड़े बड़े लोग थे तो उनके प्रति हमारा, हमारी श्रद्धा, हमारा आदर, हमारा सम्मान बहुत अधिक है। और आप देखेंगे कि राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोग, विभिन्न सरकारों में बैठने वाले या विपक्ष में बैठने वाले लोग संविधान के बारे में बड़े सम्मान से बात करते हैं।
और मैं परिहास में भी कहता हूं कि वे भी संविधान की रक्षा की बात करते हैं जिन्होंने अवसर पाते ही संविधान के अनुच्छेदों का दुर्धर्ष उल्लंघन किया है, वे भी संविधान की रक्षा की कसमें खाते हैं। और यदि कोई भी आचरण किसी भी सरकार द्वारा किया जाता है तो संविधान पर हमला है, संविधान खतरे में है, संविधान के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वे भी संविधान के बारे में बात करते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने पिछले 5-6 वर्षों में एक अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं भारत का और इस सरकार का धर्मग्रंथ ही संविधान है। ये रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है। रोचक इसलिए है कि अब से पहले हमने इसे धर्मग्रंथ की उपाधि नहीं दी, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकारों का धर्मग्रंथ धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले देश में होना भी यही चाहिए, पंथ निरपेक्ष कहे जाने वाले देश में होना भी यही चाहिए। ऐसे में संविधान के बारे में हमारे मन में बहुत सारे कौतूहल हैं, बहुत सारी उत्कंठाएं हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। और उस संविधान ने अपने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से आज तक एक बड़ी लंबी यात्रा तय की है। उस यात्रा में हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ देखा है, तो उस सब पर आज बातचीत करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग संविधान सभा के बारे में कुछ नामों को जानते हैं। मैंने कहा लगभग 300 लोग संविधान सभा में थे, मूलतः तो अधिक चुने गए थे, लेकिन भारत का दो भागों में धर्म के आधार पर विभाजन होने के पश्चात कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, इसलिए संविधान सभा लगभग 300 सदस्यों के साथ बैठी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी। आयु की वरिष्ठता के कारण सच्चिदानंद सिन्हा साहब को उसका अध्यक्ष चुन दिया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मैं अपने राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी मित्रों से प्रायशः कहता हूं कि संविधान सभा लगभग 3 साल बैठी तो उसकी जो बहस है, उसकी जो कार्यवाही है, वो बहुत बड़ी है, आकार में बहुत बड़ी है। उसे पूरा सब विद्यार्थी, सब लोग नहीं पढ़ सकते। लेकिन इधर क्या हुआ है, जब से इंटरनेट का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है तो भारत सरकार के parliamentofindia.nic.in जो वेबसाइट है संसद की, उसमें संविधान सभा की कार्यवाही डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। और उससे लाभ यह है कि आप तिथि वाइज इस डेट को संविधान सभा में क्या बहस हुई, क्या बातचीत हुई, क्या विषय था, उसे पढ़ सकते हैं। तो मैं अक्सर अपने विद्यार्थी मित्रों से कहता हूं कि आप पूरी कार्यवाही ना पढ़ पाए तो एक किसी दिन की कार्यवाही अपने मन से अचानक खोलकर पढ़िए और देखिए संविधान सभा के हमारे उस समय के सदस्यों ने इस वर्तमान रूप में प्राप्त हमें संविधान के निर्माण के समय एक एक बिंदु, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक कौमा, एक एक प्रावधान पर कितना विचार विमर्श किया। यह अकस्मात नहीं आया, हमारे सामने जो आया संपूर्ण गहन विचार विमर्शोपरांत आया। प्रत्यक्ष निर्वाचन से कुछ लोग आए, राजनीतिक दलों के माध्यम से कुछ लोग आए, रियासतों के प्रतिनिधि के बनकर कुछ लोग आए। लेकिन आप देखेंगे भारतीय संविधान सभा, मुझे ऐसा लगता है उस समय महात्मा गांधी उसके सदस्य नहीं थे, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे उसके सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसके सदस्य नहीं थे। इन तीन बड़े अपवादों को यदि मैं छोड़ दूं तो उस समय उपलब्ध, भारत में संपूर्ण रूप से उपलब्ध मेधा मनीषा संविधान सभा में उपस्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, सरदार पटेल हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, सुचिता कृपलानी हैं, जेपी कृपलानी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, केटी शाह हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, जगजीवन राम हैं, हीरालाल शास्त्री हैं, जयनारायण व्यास हैं, रविशंकर शुक्ल हैं, पंजाब राव देशमुख हैं, यशवंतराव परमार हैं, हसरत मोहानी हैं, गोविंद दास हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन है, हर प्रकार के लोग।
अवधेश प्रताप सिंह है, आपको देशभर में प्रत्येक क्षेत्र से ऐसे लोग जो उस समय की प्रतिभा है, मेधा है, मनीषा है विभिन्न क्षेत्रों की, सरदार बलदेव सिंह है, रणवीर सिंह हुड्डा है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई जाति वर्ग, कोई धर्म का वर्ग ऐसा नहीं है जो उसमें उपस्थित ना हो। साहित्यकार भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं, मध्यमार्गी भी हैं, समाजवादी भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, सब हैं। तो उन सब ने मिलकर हमें एक संविधान दिया और उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर बी आर अंबेडकर जैसा उस समय का सर्वोत्कृष्ट विधि ज्ञाता है, विधिवेत्ता है, विश्व के श्रेष्ठतम कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर बी आर अंबेडकर उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उस प्रारूप को बी एन राव द्वारा प्रारंभ किए गए प्रारूप को तैयार भी करते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, उस पर बहस भी करते हैं, उसे डिफेंड भी करते हैं, उसके बारे में उत्तर देते हैं, जिज्ञासाओं के उत्तर देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह संविधान 9 दिसंबर 1946 को, मैंने कहा, पहली बैठक प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक होती है। तो लगभग 3 साल चली इन बैठकों में संविधान के लगभग प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ, लेकिन जैसे कि भारत की परंपरा है, नहीं थी नहीं थी यह अंतिम नहीं है, इससे आगे भी कुछ और है। और उसका परिणाम है कि इतने बड़े, इतने विशाल, इतने समावेशी संविधान में 1951 में ही हमें प्रथम संशोधन की आवश्यकता पड़ गई। संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, सामान्य रूप से राज्यों के नाम परिवर्तित करने के लिए, दो राज्यों को एक जोड़ने के लिए, एक राज्य के कुछ हिस्से करने के लिए सरल सी प्रक्रिया है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए भी एक सरल सी प्रक्रिया है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाए और उसकी कुल सदस्य संख्या और उपस्थित और वोट देने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसे प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिनके लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में इसी प्रक्रिया से सहमति की आवश्यकता है, इसलिए कठिन है। फिर भी संविधान में, मैंने कहा, 1951 में हमने पहला संशोधन किया और आज हम 100 से अधिक संशोधन कर चुके हैं। इसका एक अर्थ और है, इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान समकालीन आवश्यकताओं, समसामयिक अपेक्षाओं और जन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने को तैयार है, अपने को परिमार्जित परिष्कृत करने को तैयार है। तो ये जो स्वयं को परिष्कृत कर लेने की प्रवृत्ति है, स्वयं को परिष्कृत कर लेने की मानसिकता है, वो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है और उसी का परिणाम है कि अपने मूल ढांचे, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाद में की, उसकी रक्षा करते हुए संविधान विभिन्न संशोधनों और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। 1951 में पहले संशोधन के बाद से भारतीय संसदीय लोकतंत्र, क्योंकि संविधान एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है, और मुझे लगता है जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसकी प्रस्तावना की बात अवश्य करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के 1976 में संविधान में संशोधन करके उसमें इस प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, उस पृष्ठभूमि में बाद में जाऊंगा, ये शब्द क्यों जोड़े गए, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया। लेकिन यह संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए हमारे सामने उन प्राथमिकताओं को भी रखती है जो संविधान निर्माताओं की संकल्पना में थे, और इसी का परिणाम है कि पराधीनता के काल में प्रारंभ हुई संविधान सभा ने भी
राजनीतिक स्वातंत्र्य और राजनीतिक न्याय को प्राथमिकता न देते हुए सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धारा अपने आप में इतनी समावेशी थी। हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा लगेगा उसमें बहुत कुछ है। संसार भर में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो वो स्वाधीनता के आंदोलन मात्र हुए हैं, और वो स्वाधीनता तकनीकी है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है। हमारी स्वाधीनता का संग्राम, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वो व्यापक है, उसमें आध्यात्मिकता का भी पुट है, उसमें साहित्य भी साथ में है, उसमें कलाएं भी साथ में है, उसमें समाज सुधार भी साथ में है, उसमें शिक्षा में हमारा सबलीकरण भी साथ में है, और वैचारिकी के स्तर पर हमारी विविधता के साथ एकत्व भी साथ में है। इसलिए भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वह केवल राजनीतिक अभिलेख नहीं है, वह सामाजिक परिवर्तन का अभिलेख भी है। और यदि वह सामाजिक परिवर्तन का अभिलेख है तो वह क्या करता है, वह संस्थाओं की स्थापना से पूर्व, प्रायश हमने सुना है पश्चिम की का जो विमर्श है उसमें कहते हैं लोकतंत्र के लिए संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं वो। हमने इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में वादे बात किया, भारतीय संविधान, संसद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में बाद में बात करता है। सबसे पहले किस बारे में बात करता है, अधिकारों के बारे में बात करता है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। तो वह जब मनुष्य के रूप में हम एक नए राज्य के निर्माण में प्रवृत्त हो रहे हैं, जब एक सामूहिक चेतना हमारी नए भारत का निर्माण करने की कल्पना कर रही है, तो यह चिंता करता है कि नागरिक के रूप में, मनुष्य के रूप में हमारे अधिकार क्या होंगे। और जब हमारे अधिकार तय करता है तो यह भी बात करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या होंगे। राज्य जब अपनी नीति बनाएगा तो उसे निर्देशित कौन करेगा, संस्थाएं नहीं करेंगी। इसलिए यह अभिलेख इस नाते भी अधिक महत्वपूर्ण बात करता है कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर देता है, और उन प्राथमिकताओं के स्पष्टीकरण का परिणाम यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता और अवसर और स्तर की समानता, इसको सुनिश्चित करने वाली और आपस में बंधुता बढ़ाने वाली राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बात करता है। तो जो कुछ हमारी कल्पना में राष्ट्रीय आंदोलन के समय आया था, उसे तत्व रूप में, सार रूप में, प्रस्तावना में, उद्देश्य का कुछ लोग बोलते हैं उसमें प्रस्तुत कर दिया जाता है, और संविधान बाकी फिर संस्थाओं के निर्माण करता है। मैं उन संस्थाओं के विस्तृत विवरण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात हमने देखी, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की सारी कथित जटिलताओं के बाद भी हमने संविधान में शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन होते हुए देखे। भारतीय संविधान अपनी, मैंने कहा, जनाकांक्षाओं, समय की आवश्यकताओं, समकालीन अपेक्षाओं के अनुरूप बदलता रहा, जब आवश्यक लगा, जहां आवश्यक लगा उसे बदलते भी रहे। कई बार उच्चतम न्यायालय, उसके पास उसकी संरक्षण का भी अधिकार है, उसकी व्याख्या का भी अधिकार है, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति को उस संबंध में सलाह देने का भी अधिकार है उनके मांगे जाने पर। तो उच्चतम न्यायालय जो उसका परिरक्षण करता है, जो उसकी व्याख्या करता है, जो उसके संबंध में सलाह देता है, वह भी बहुत बार अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए संविधान के परिवर्तन संशोधन के मार्ग प्रशस्त करता है, और उसने किए हैं। कई बार वो इसके संरक्षण के समय परिवर्तन और संशोधन जो किए जा रहे हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा, उनको रोकता भी है, सीमित भी करता है, मर्यादित भी करता है। हम उससे सहमत हैं, असहमत हैं, वो एक अलग प्रश्न है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं फिलहाल।
लेकिन संस्था के रूप में ये जो शक्तियों का पृथक्करण है, ये अपने आप में सम व्यवस्था को अद्भुत बनाता है। और हमने इसके अतिरिक्त तो कई सारी ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का सृजन किया, में से कई संस्था ऐसी हैं जिनको हमने बाद में देखा तो उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगाया, उन्होंने अपने स्वरूप में आने में थोड़ा समय लगाया, लेकिन अब वो आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक स्वरूप को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वो एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ऐसे ही महालेखाकार और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की संस्था ने कई बार हमको आपको ये दिखाया कि वो एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो संवैधानिक मूल्यों के परिरक्षण के लिए अपने अधिकारों के उपयोग और प्रयोगों को भली भांति समझती और जानती है, और राजनीतिक विचारधाराओं और सत्ताओं से ऊपर उठने को तैयार है। यह तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार नहीं हुआ। राज्यों में हमने व्यवस्था की कि एक राज्यपाल होगा। पिछले कुछ वर्षों से ये स्थिति नहीं है, एक आध राज्य के अपवाद को छोड़ दें तो, लेकिन हम में से बहुत सारे पुराने लोग ये जानते हैं कि राज्यों में यदि किसी और दल की सरकार है, केंद्र में किसी और दल की सरकार है, तो प्रायशः हमने राज्यों के राज्यपालों और निर्वाचित सरकारों के बीच मतभेदों को बहुत ही सार्वजनिक और बहुत ही अमर्यादित स्थिति में जाते हुए देखा है। संविधान की विकास यात्रा है, ये संविधान की विकास यात्रा है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के अधिकार के बारे में पहले इतने चिंतित हुआ करते थे। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता था, महत्वपूर्ण कक्षा का विषय होता था। अब अनेक वर्षों से राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात हम नहीं सुन रहे हैं, नहीं करते हैं। कभी कभी कोई आरोप लगा देता है, कहता है, आवाज भी उठा देता है, लगा दो, लेकिन कोई लगा नहीं रहा है। पहले ये बहुत नियमित रूप से लगता था। तो ये भी संविधान की विकास यात्रा है। हमने ये भी देखा कि संविधान के अंतर्गत प्राप्त इस अधिकार का उपयोग करते समय केंद्रीय कार्यपालिकाओं ने प्रायः ऐसा भी किया कि राज्य में यदि कोई सरकार उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं है तो संपूर्ण बहुमत और संपूर्ण व्यवस्था के होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और कई बार लगा दिया। उसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए वो आप सब जानते हैं। लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपतियों ने केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा प्रस्तावित उस राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, नहीं लगाया। कैबिनेट ने कहा, सरकार ने कहा, राष्ट्रपति ने लगाया। संविधान अपनी संस्थाओं के उद्भव और विकास में धीरे धीरे स्वयं को परिवर्तित करके अपने नए स्वरूप में हमारे आपके सामने आ जाता है, और संस्थाएं भी अपना स्वरूप बदल लेती हैं। तो ये जो परस्पर अन्योन्याश्रितता है, व्यक्तियों की संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत हो जाने और संवैधानिक अभिलेखों का उपयोग प्रयोग करते समय दायित्व के रूप में, अधिकार के रूप में, शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, प्राधिकार के रूप में, तो उनके राजनीतिक दलों का रूपांतरण होते हुए, उनकी स्वयं की कार्यप्रणाली का रूपांतरण होते हुए, और संवैधानिक अभिलेखों के अनुरूप व्यवस्थाओं को रूपांतरित होते हुए, हमने सबने देखा है। लेकिन जैसा मैंने उल्लेख किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संयोग यह भी है कि वे जस्टिसिएबल कहा जाता है, न्यायिक नहीं है। उनके लिए यदि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो आप न्यायपालिका उन पर कुछ नहीं करती है, आप जा नहीं सकते कोर्ट में, कोर्ट के बारे में आपसे बातचीत नहीं करेगी। लेकिन संवैधानिक जो अधिकार, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, उनके संरक्षण की सारी व्यवस्था करती है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 से। यही मेरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं। संविधान की सारी विकास यात्रा में पूर्ण विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान संसार भर से बहुत कुछ लेता है, बहुत कुछ प्राप्त करता है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ एक अपवादों को छोड़कर अपनी संस्थाओं के निर्माण में और अपनी प्रक्रियाओं के निर्माण में तो भारत की परंपरा से बहुत कुछ नहीं लेता।
और जहां भारत की परंपरा से लेता है वो नीति निर्देशक तत्वों में, और उनमें से बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिन पर लोग आज वर्षों से विवाद करने की स्थिति में स्वीकार नहीं करते। 1976 का मैंने उल्लेख किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जून का महीना इस समय चल रहा है, 12 मई को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन को अवैध घोषित किया। जगमोहन लाल सिन्हा न्यायमूर्ति थे, और उसके बाद की राजनीतिक स्थितियां ऐसी हुई कि उन्होंने 25-26 मई को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। उसी अवधि में उन्होंने संविधान में संशोधन किया, विपक्ष के सारे नेता लगभग सभी जेल में थे, और संविधान में संशोधन इतना बड़ा किया, इतना व्यापक किया, इतना विस्तृत किया, और इतना सारे तत्वों को स्पर्श किया कि राजनीति विज्ञान और विधि के लोग उसे मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाकर, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर बहुत सारे प्रकार के संशोधन किए। उसी संशोधन के समय उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया जो भारत की राजनीति को पिछले 40-50 वर्ष से बहुत अधिक रूप से प्रभावित कर रहा है, सेक्युलर। बहुत वर्षों तक ये बात चलती रही कि इसका अनुवाद क्या है। कुछ लोगों ने प्रारंभ में इसका बहुत साल तक धर्मनिरपेक्ष अनुवाद चलाया, बाद में पंथ निरपेक्ष अनुवाद चल गया, लेकिन इस शब्द मात्र ने पूरी भारतीय राजनीति की विकास यात्रा, संविधान की विकास यात्रा दोनों को प्रभावित किया। मैं अनुकूल प्रतिकूल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रभावित किया। और आज भी बहुत सारे लोग इस शब्द पर बहस करने को तैयार हैं, हम सेकुलर हैं नहीं हैं, ये पार्टी सेकुलर है, ये पार्टी सेकुलर नहीं है, ये समूह सेकुलर है, ये समूह सेकुलर नहीं है। पहचान बना लिया हमने उसे। और संयोग की बात है, उसी संविधान संशोधन में एक शब्द और संयुक्त तो हुआ, समाजवाद। कोई किसी पर यह आरोप नहीं लगाता कि समाजवादी है, समाजवादी नहीं है, यह अपराध है। समाजवादी ना होना, सेकुलर ना होना अपराध है। और सेकुलर क्या है, इसकी व्याख्याओं पर बहुत प्रकार के विषय हैं, इस पर कभी अलग से सेमवाल साहब बुलाएंगे तो बात करते हैं। लेकिन संविधान ने अपनी विकास यात्रा में यह भी एक सोपान बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त किया है, और समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इसे समझना इस रूप में भी आवश्यक है कि शब्द के अनुवाद और शब्द की व्याख्या में क्या क्या समाहित है, यह भी जानना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने इसके संबंध में भी कई बार विशिष्ट प्रकार के निर्णय दिए हैं जिन्हें हमें समझना है। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार जब आई थी तो उस समय उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात की थी, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। जस्टिस एम एन ए वेंकटचलैया जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। सोली सोराब जी वगैरह उसमें सदस्य भी थे। वेंकटचलैया साहब की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो ये विचार भी बीच बीच में आया राजनीतिक सत्ताओं के मन में कि संविधान को बने हुए बहुत समय हो गया है, उसमें बहुत प्रकार के संशोधनों और परिमार्जन की आवश्यकता है, उसे नई अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से हमारे मित्र लोग ये जानने लगे हैं कि संविधान की मूल प्रति कैसी थी। निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात करते करते धीरे धीरे कुछ लोगों ने सबके सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि संविधान की मूल प्रति में तो नंदलाल बोस ने चित्र बनाए हुए थे, और चित्र किस चीज के बनाए हुए थे, भारतीय परंपरा के, संस्कृति के, इतिहास के, पूर्व पुरुषों के, भारत की परंपरा का अंग है। अर्जुन को दिया गया कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भगवद् गीता, उसका चित्र बना हुआ था। बुद्ध का चित्र बना हुआ था, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का। ऐसे बहुत सारे चित्र मूल प्रति में हैं, उसकी प्रतिलिपियां आज धीरे धीरे सबके संज्ञान में, जानकारी में आने लगी, लोग बात करने लगे। नहीं तो उन्हें हमने छिपा लिया, हमने अपने विद्यार्थी से, अपने जिज्ञासु से ये बात बताई नहीं, से कहा धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये भी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण सोपान है। अब
हमें समझने की आवश्यकता है, वो चित्र क्यों बने थे और वो क्यों हटा लिए। समाज विज्ञान के विद्यार्थी को ये जानना चाहिए, विधि के विद्यार्थी को ये जानना चाहिए। इसके नाते भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की स्थापना में उसके मूल तत्वों के सुदृढ़ीकरण में और संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न उपादानों को प्रक्रियाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो हमारे अधिकरण बने, सामान्य विद्यार्थी के रूप में हम लोग ये पढ़ा करते थे कि संविधान एक लिखित संविधान हो, जनमत के साधन उपलब्ध हों, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, नियमित चुनाव होते हों, शक्तियों का विभाजन हो, तो एक स्वस्थ सबल लोकतंत्र होता है। हमारे नियमित चुनाव होते हैं और इस संविधान में हमारी आस्था का ही परिणाम है कि 1975 में आपातकाल लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1977 में बहुमत से चुनाव हार गई तो उन्होंने सत्ता जीते हुए शासकों को दे दी, अन्यथा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं जहां चुनावी व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है, जहां सत्ता कभी सेना के शासक अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी कोई अधिनायक अपने हाथ में ले लेता है और फिर वर्षों तक उसे छोड़ता नहीं है, बहुत बार उनकी हत्याएं इस नाते हो जाती हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ, भारत में सामान्य प्रक्रिया बन गई, चुनाव में जाइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, जीत जाते हैं आगे बढ़िए, हार जाते हैं इस जनादेश को स्वीकार करिए आगे बढ़िए। ये जो परंपरा केंद्र में राज्यों में नियमित चुनाव की, नियमित रूप से उसे उत्साह के रूप में, उल्लास के रूप में, उत्सव के रूप में चुनाव को सम्मिलित होने की परंपरा बढ़ गई है, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की विकास यात्रा में। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मतदान में नियमित और निरंतर प्रतिशत की वृद्धि। जिन क्षेत्रों को हम सामान्य रूप में कहते ये पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, विपन्न हैं, दारिद्र्य है, अशिक्षा है, कुपोषण है, लेकिन जब राजनीतिक सहभागिता की बात आती है तो उन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत विकसित कहे जाने वाले क्षेत्रों से अधिक है, आधुनिक कहे जाने वाले क्षेत्रों से अधिक है, शिक्षित कहे जाने वाले क्षेत्रों से अधिक है। इसका अर्थ है संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास सुदृढ़ है। और मुझे लगता है भारत का सामान्य नागरिक जो किसी भी सुदूरस्थ स्थान में बैठा हो, जिसके लिए भारत का निर्वाचन आयोग ऐसी व्यवस्थाएं करता है कि कहीं 30 सीट मतदाता हैं तो उसके लिए घोड़े पर बैठकर, किसी और साधन पर बैठकर, हेलीकॉप्टर में बैठकर मतदान अधिकारी जाते हैं, मतदान कराते हैं, लेकिन वो मतदाता अपने मत के अधिकार के प्रति सचेत है, सजग है, सावधान है और वो जानता है कि मेरे इस मतदान से मैं बहुत कुछ परिवर्तित करने में समर्थ हूं। और उसी का परिणाम है संविधान की विकास यात्रा का एक और महत्वपूर्ण सोपान मुझे समाज विज्ञान के विद्यार्थी के नाते लगता है, और वो ये कि हमने एक ओर तो बहुत सारे व्यक्तिगत आपा मंडलों का निर्माण किया, बहुत सारे देश भर में आपको ऐसे राजनीतिक आपा मंडल दिखाई पड़े वर्षों से, कोई फिल्म से आ गया, एक आभा मंडल फिल्म में तैयार किया, फिल्म क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र में गया, हमने उसी आभा मंडल में उसको चुनाव जिता दिया। और कुछ राज्यों में तो वो सफल मुख्यमंत्री बने, निरंतर बने, कोई खेल से आ गया, कोई किसी और व्यापार के क्षेत्र से आ गया, कोई किसी आंदोलन के क्षेत्र से आ गया, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ गए, वहां की सफलताओं को उन्हें राजनीतिक सफलताओं में परिवर्तित करने के प्रयत्न किए और आगे बढ़ गए, आभा मंडल बन गए।
कुछ इससे भी परे गए और उन्होंने अपने जातीय समीकरण तैयार किए और जातीय आभामंडल निर्मित कर लिए, जातियों की गोलबंदी कर ली, उनके हितों के संरक्षण के नाम पर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रश्रय देने की व्यवस्था कर ली और वे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए, उनके आभामंडल बन गए। कुछ लोग प्रशासन के क्षेत्र में थोड़े आगे बढ़ गए थे, उस अनुभव और ज्ञान को और पहचान को उन्होंने आगे बढ़ा लिया और राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। मैं किसी व्यक्तिगत विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, व्यक्ति विशेष पर किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा भी हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में समाज जीवन में काम करते हुए एक व्यक्ति को वर्षों हो गए, एक क्षेत्र विशेष में वर्षों हो गए, लोगों की सेवा करते हुए वर्षों हो गए, एक बड़ा अनुयायी वर्ग तैयार हुआ, ऐसा बड़ा वर्ग तैयार हुआ जो उनमें विश्वास करता है, उनमें आस्था करता है, उनका सम्मान करता है, उनमें श्रद्धा रखता है, और वे उनके स्थाई से मतदाता हो गए और वो स्थाई से जनप्रतिनिधि हो गए। और हम आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे यहां राज्यों में केंद्र में हैं जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार निर्वाचित होते हैं, बड़े अंतराल से निर्वाचित होते हैं, विजयी होते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना एक आभामंडल निर्मित किया, वो आभामंडल किसी भी कारण से हुआ हो सकता है, मैंने कहा उनके परिश्रम, उनके समाज जीवन, उनकी लोक संवेदना, उनकी जातिगत समीकरण, उनकी धार्मिक समीकरण, कोई भी प्रकार का समीकरण हो सकता है या सबका सम्मिश्रण भी हो सकता है, लेकिन वो तैयार हुए। बाद में हमने अपराधियों को भी राजनीति में आते हुए देखा तो उन्होंने भी अपने कुछ समीकरण इस प्रकार के बना लिए कि उनके सामने किसी और ने चुनाव लड़ने का विचार ही नहीं किया। पुराने राजवंशों के अपने एक आभामंडल थे, उसको भी जीवित रखते हुए बरकरार रखते हुए कुछ लोगों ने उसका उपयोग कर लिया, कुछों ने एक जाति और अन्य जातियों को जोड़कर कुछ समीकरण बना लिए, कुछ धर्म मजहब या संप्रदाय विशेष पंथ विशेष को जोड़ते हुए कुछ समीकरण बना लिए, उसके नाते स्थायी जनप्रतिनिधि जैसे बन गए। ऐसे जनप्रतिनिधियों के उदाहरण हमने आपने सब देखे हैं और बड़ी संख्या में देखे। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं, इस सबके बाद भी भारतीय संविधान की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सोपान यह है कि हमारे सामान्य मतदाता ने जब उसे लगा कि ये सारे समीकरण निरर्थक हैं, निष्फल हैं, उसे कोई और संदेश देना है देश को या राज्य को, उसकी आकांक्षाएं इससे आगे चली गई हैं, उसकी अपेक्षाएं विस्तार पा गई हैं, और उसे जब लगा कि उसका लक्ष्य कुछ और है, इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे लक्ष्यों को छोड़ना आवश्यक है, तो उसने स्थापित जन अनुयायी वर्ग वाले राजनेताओं को नकार दिया। उसका परिणाम है हमने 5 5 8 8 10 10 साल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से निरंतर जीतने वाले राजनेताओं को उस क्षेत्र से हारते हुए देखा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये हुई कि हमारे मतदाताओं ने प्रायश है, कुछ एक बात मिलेंगे आपको, और पिछले कुछ सालों से यदि आप देखें 20-21 साल से, तो प्रत्येक राज्य में और केंद्र की सरकार में प्रायशः एक सामूहिक सा निर्णय ले लिया और वो सामूहिक सा निर्णय ये ले लिया कि एक संदेश देना है पूरे राज्य की ओर से। तो लगभग एक सी लहर जिसे कहते हैं, पहले कभी कभी लहर आया करती थी, अब किसी को अंदाजा तो नहीं आता है जो इस प्रकार की राजनीति या इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं कि हम बताएंगे कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। आप में से हमने सबने अधिकांश ने देखा है कि इनको कुछ पता नहीं होता, ये सब ऐसे ही आकलन अनुमान करते हैं। वो जो मतदाता शांत बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, जिसे आप अशिक्षित कह रहे थे, जिसे आप अविकसित कह रहे थे,
जो बहुत संपन्न नहीं है, जो बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, वो शांत भाव से अपने संदेश को प्रसारित कर रहा है। और अद्भुत बात यह है कि जो वो सोच रहा है उसके पूरे राज्य में लगभग वैसा ही सब सोच रहे हैं, किसी को अंदाजा नहीं आ रहा। इसी का परिणाम है कि जो आकलन करने वाले हैं वो कहते हैं शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, और जब आता है तो कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अच्छा ऐसा सोचा नहीं था, बड़ा होगा। उस समय अपने चेहरे ढक रहे होते हैं अपने शब्दों से। इसका अर्थ है सामान्य व्यक्ति, सामान्य मतदाता, सामान्य नागरिक, सामान्य भारतीय एक राज्य के नागरिक के रूप में, एक राज्य के मतदाता के रूप में केंद्रीय सरकार का चयन करते समय, राज्य सरकार का चयन करते समय, किसी भी प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते समय बहुत बार समेकित रूप में सोचता है, बिना दिखाई देते हुए। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात समाज विज्ञान के विद्यार्थी के नाते आपने अनुभव की होगी, जो लोग अनुभवात्मक शोध करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं, तो जाते हैं पूछने के लिए, बात करने के लिए, अनुसूची में प्रश्न तैयार करके प्रश्न उत्तर लेकर जाते हैं, तब नहीं ले पाते। इसलिए नहीं पाते कि वोटर मतदाता प्राय इतना जागरूक है कि वो वोट देता है, जानता है ये गोपनीय है, गुप्त मतदान है, इसके माध्यम से व्यवस्था बदल सकती है, मेरा प्रतिनिधि बदल सकता है, सरकार बदल सकती है, दूसरी पार्टी आ सकती है, ये पार्टी जा सकती है, लेकिन बताता किसी को नहीं है, बताता किसी को नहीं। और वो इसीलिए नहीं बताता कि उसकी शक्ति में उसको विश्वास था, वो मतदान की शक्ति में उसकी आस्था और विश्वास, उसकी संविधान में आस्था है। उसने संविधान देखा नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, उसके प्रावधानों से परिचित नहीं है, लेकिन वो जानता है। सामान्य रूप से सामान्य आदमी कहता है कानून है, वो जो विधि का भाव है, पश्चिम में कहा जाता है विधि का शासन, मुझे लगता है भारत में विधि का भाव है। शासन तो हमारे यहां विभिन्न प्रकार के चलते हैं, इसलिए उस तकनीकी बात में विधि के लोग जाएंगे, लेकिन विधि का एक भाव है, और वो विधि का भाव व्यवस्था का भाव है, विधि का भाव मर्यादा का भाव है, विधि का भाव धर्म का भाव है, विधि का भाव मान्यता का भाव है। और वो मर्यादा का भाव ये कि समाज जीवन की एक मर्यादा है, राज्य जीवन की एक मर्यादा है, जहां आप सेवा करते हैं उसकी एक मर्यादा है, इस परिवार में आप रहते हैं उसकी एक मर्यादा है, जिस व्यवस्था में, मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, नगर में, क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी एक मर्यादा है। उन मर्यादाओं का भान, आभास, और उनमें बंधकर चलना, आवश्यकता के अनुरूप उन मर्यादाओं में परिवर्तन भी करना है। ऐसा नहीं है वो स्थायी स्थिर है, वो ऐसी स्थिर हो गई है उन पर हमको बातचीत नहीं करेंगे, उनमें परिवर्तन के बारे में सोचने हैं, उनसे बहस भी करनी है, उन्हें बदलने की कोशिश भी करनी है, लेकिन इन मर्यादाओं को स्वीकृति भी प्रदान करनी है, पारंपरिक मान्यता के साथ संबद्ध भी होना है, तो उसे पुराना भी बनाए रखना है, नया भी उसमें सम्मिलित संयुक्त कर देना है। तो पुराना बनाए रखना और नयों को संयुक्त कर देने की जो इच्छा है, मैंने कहा 1951 में संविधान में पहला संशोधन हो गया, आज 100 से अधिक हो गए, लेकिन हम अपने पुराने संविधान के मूल अस्तित्व को बचाए हुए हैं, आवश्यकता के अनुरूप नया भी बदल रहे हैं, नया कर रहे हैं। ये भारतीयता है, ये भारतीय सनातनता है, और सनातन कुछ नहीं है, यही सनातनता है जो नित नूतन है और चिर सनातन है, पुराना है। इसलिए भारतीय संविधान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण सोपान यदि देखें तो मुझे संस्थाओं के निर्माण से अधिक ये महत्वपूर्ण लगता है कि संविधान ने सामान्य नागरिक के मन में अपनी आस्था निरंतर सुदृढ़ और बलवती की है, बिना उसको जाने। बहुत सारे लोग उसे जानते नहीं है, मैंने कहा हमारे बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अधिवक्ताओं का स्वर्ग है, कुछ लोग कहते हैं उधार का झोला है, बहुत प्रकार के शब्द इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन वह संविधान सामान्य नागरिक को शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, बलवान बनाता है।
और उसे यह शक्ति देता है कि वे बड़े से बड़े सामर्थ्य और आभा मंडल वाले व्यक्तियों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने से मना करता है, उन्हें अस्वीकार करता है, नई व्यवस्थाओं के निर्माण करता है। इसीलिए आपने राज्यों में और केंद्र में नए प्रकार की विचारधाराओं को, नए राजनीतिक दलों को, नए जनप्रतिनिधियों को, वैविध्यपूर्ण संसद को। राज्य विज्ञान के बहुत सारे मेरे मित्र इस बारे में चिंता करते थे, मैंने संकेत किया, कुछ लोग फिल्म से आए, कुछ लोग खेलों से आए, समाज जीवन से आए, आंदोलन से आए, विभिन्न प्रकार के लोग आए, आज की संसद में भी आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है ये वैविध्य संविधान निर्माताओं की कल्पना में था, क्योंकि ये वैविध्य भारत का मूल भाव है। भारत का मूल भाव ही वैविध्य है, उस वैविध्य में एक एकत्व की प्राप्ति लक्ष्य है। वैविध्य को बचाए रखना, लेकिन वो वैविध्य एक दूसरे का परस्पर विपरीत ना हो, विरोधी ना हो, कहीं प्रतिगामी ना हो, प्रतिकूल ना हो। तो इस वैविध्य को बनाए रखते हुए एकत्व की अनुकूलता, ये एकात्म भाव है। और ये एकात्म भाव संविधान इस रूप में हमारे सामने लाता है, हम कहीं हो, कोई भाषा बोलते हो, किसी राज्य में प्रांत में रहते हो, हमारी कोई आर्थिक पृष्ठभूमि हो, हमारी कोई वेशभूषा हो, कोई वेशभूषा, कोई आहार व्यवहार हो, कोई शिष्टाचार हो, हमारे उत्पादन के साधन भिन्न हो, उत्पादन के उपादान भिन्न हो, सारी भिन्नताओं के बाद हम यहां एक आत्म हैं कि हम भारतवर्ष को अपना राष्ट्र मानते हुए इस भारतवर्ष के संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, अपना मूल ग्रंथ मानते हैं, उसके अनुपालन के लिए कटिबद्ध रहते हैं, और जो उसका अनुपालन नहीं करते उनकी स्पष्ट आलोचना करते हैं, इंगित करते हैं, रेखांकित करते हैं, चिन्हित करते हैं। मैंने कहा वे भी करते हैं जिन्होंने स्वयं उसका अनुपालन नहीं किया, जिन्होंने उसका दुर्दर्श उल्लंघन किया है, लेकिन अपना उल्लंघन छिपाते हुए दूसरे के उल्लंघन को रेखांकित नहीं करते हैं। इसका अर्थ है हम चाहते नहीं, और जो उल्लंघन किया है जिन्होंने, उसे भी वो विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण दे के बताना की प्रयत्न करते हैं, नहीं हमने ऐसा नहीं किया था। इसका अर्थ है हम संविधान का उल्लंघन करते हुए दिखना भी नहीं चाहते, हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि हम संविधान के पालन करते हुए दिखें। तो संविधान का पालन करते हुए दिखें, संविधान की संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, संविधान की प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं। राजनेताओं से बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार लोग व्यंग्य की रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, व्यंग्य रचनाएं लिखते हैं, राजनेताओं पर व्यंग्य करते हैं। फिल्मों में भी आपने राजनेताओं पर व्यंग्य देखे होंगे, साहित्य में भी है, सामान्य जीवन में भी बहुत सारे लोग राजनेताओं पर तंज कसते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा आभा मंडलों का निर्माण, मुझे लगता है सामान्य व्यक्ति व्यवस्था में विश्वास रखता है, और व्यवस्था संविधान ने निर्मित की, वो इस तंत्र में विश्वास रखता है, राजनेताओं की दुर्बलताओं से परिचित है, बहुत सारे राजनेताओं की शक्ति और सामर्थ्य से भी परिचित है, इसीलिए उनके उस आभा मंडल का अंग बनता है, इसीलिए उनका अनुयायी बनता है, वर्षों तक बना रहता है। और आजकल तो इस देश में ऐसा चल गया है कि कुछ एक राजनेता ऐसे हैं कि यदि उनका आप उनकी प्रशंसा करते हैं तो भक्त कहलाते हैं, उनके यदि किसी सही आचरण का, सही क्रियाकलाप का आप सम्मान करेंगे तो लोग आपको भक्त कह देंगे। तब भी ऐसा हो जाता है कि भारत का एक राजनेता आपके सामने कहता है कि आज शाम को हम सब मिलकर मोमबत्ती जलाएंगे, दिए जलाएंगे, तो हम सब जलाते हैं, संस्था के रूप में नहीं कर रहे, कोई निर्णय नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधि नहीं है, एक आह्वान
और उस आह्वान को स्वीकार करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संकट के समय कहा कि लोग एक सप्ताह में एक दिन व्रत रखेंगे, देश के लोगों ने व्रत रखा, ऐसा कहा जाता है, सुना है। हमने अपने अधिकांश लोगों ने उस समय नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है वो स्मरण करेंगे, लेकिन हमने आपने ये समय देखा है। एक आह्वान को स्वीकार करते हैं, राजनीतिक रैलियों में लोगों के आने के आह्वान अलग बात है। कोविड 19 के संकट के समय एक आह्वान हो रहा है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ है हमारे सामान्य नागरिक को विश्वास है, और वो विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तंत्र में विश्वास है, व्यवस्था में विश्वास है, उसकी दुर्बलताओं से परिचित होते हुए विश्वास है, उस तंत्र से अपने संबंध रखते समय आने वाली कठिनताओं को जानते हुए भी विश्वास है, अपनी समस्याओं का आभास होते हुए विश्वास है। दारिद्र्य, अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्यगत समस्याएं, उन सबको जानते हुए भी विश्वास है। भारतीय संविधान उस विश्वास को बचाए रखने वाली संस्था है, कोई और संस्था नहीं बचा सकती। सब पर हमें चिंता हो जाती है, सबके बारे में हम आलोचना करते समय विचार करने लगते हैं, तो वो व्यक्तिनिष्ठता से ऊपर उठता है, वस्तुनिष्ठता की ओर जाता है। तो संविधान की विकास यात्रा वस्तुनिष्ठता की ओर है, व्यक्तिनिष्ठता की ओर नहीं। संविधान की विकास यात्रा संस्थाओं के निर्माण की नहीं है, वह भाव के निर्माण की है, विश्वास के निर्माण की है। संविधान की विकास यात्रा स्थिरता की नहीं है, वह जन आकांक्षाओं, समकालीन समसामयिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित, संशोधित, परिमार्जित, परिष्कृत करने की क्षमता का नाम है। इसलिए भारतीय संविधान अपने स्वरूप में अगणित परिवर्तन करते हुए भी अपने मूल तत्व में यह विश्वास अर्जित करने और बनाए रखने और संचरित और संप्रवाहित करने में समर्थ हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बिना उसे प्रत्यक्ष रूप से जाने, बिना उससे कोई प्रत्यक्ष संवाद हुए, उसकी संरचना में से उद्भूत अभिकरणों मात्र को जानते हुए भी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जानते हुए भी, तंत्र की विशालता को जानते हुए भी मूल रूप में उसमें विश्वास रखता है, मूलतः उसमें आस्था रखता है, और मूलतः यह मानता है कि संसदीय लोकतंत्र हो, लोकतंत्र की एक संरचनागत व्यवस्था हो, या मानव मूल्य के रूप में लोकतांत्रिक मूल्य का संरक्षण हो, या सामाजिक न्याय की स्थापना हो, या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के साथ राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हो, या व्यक्तियों के मध्य यथासंभव समानता और जनसाम्य की स्थापना हो, व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण हो, इन सब को ध्येय मानते हुए, इन सब को अंतिम लक्ष्य मानते हुए वह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा अपने इन 70 से अधिक वर्षों में अनेक पड़ावों को देखते हुए, अनेक बाधाओं को देखते हुए, और एक मित्र ने लिखा है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, परिष्कार प्रतिदिन प्रतिक्षण आवश्यक है, परिष्कार होते रहना चाहिए, व्यवस्थाएं आवश्यकता जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिष्कार करती रही हैं, करेंगी, लेकिन हमें इन अवसरों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमारी संविधान में आस्था, विश्वास सुदृढ़ हो, सबल हो, और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में
विश्वास को और शक्तिमान करे। मैं पुनः एक बार हिम्मती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अपने सम्मानित शिक्षक मित्रों का, विशेष रूप से प्रोफेसर सिंबाल का, हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे उस समय अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। आप सबको धन्यवाद।